सेलिस किचन में आप सभी को वेलकम और मेरे सारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। फ्रेंड्स, आज का हमारा रेसिपी है नमकीन चिकन कीमा सेमई। ये बनाना बहुत आसान है और यकीन माने खाने में उतना ही ज्यादा लजीज और टेस्टी भी होता है। तो इस बार बकरीद में आप इसे अपने घर पर जरूर बनाएं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं आपके लिए नमकीन चिकन कीमा सेमई। यहाँ पर मैं 250 ग्राम वर्मीसिली ले ली हूँ, ये पास्ता वर्मीसिली है। एक कढ़ाई ले लिए है, इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, में डालेंगे ये वर्मीसिली और ये वर्मीसिली को ना हम कलर चेंज होने तक का भून लेंगे। सिली को 2 मिनट भून लिए हैं, आप देख रहे हो इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बॉइलिंग वाटर, 1.5 लीटर बॉइलिंग वाटर डाल दिए हैं और इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हम ढाँप दिए हैं और मीडियम फ्लेम में सेमई को गलने तक कम से कम 4 से 5 मिनट हम इसे बॉईल कर लें। तकरीबन 4 मिनट हो चुका है और ये सेमई भी गल गया है। अब हम एक स्टेडर में ना हम इसको छान लेंगे। इसके ऊपर से ना हम ठंडा पानी डालकर इसे एक बार हम धो लेंगे और इसे भी हम एक तरफ रख देंगे। एक कढ़ाई में 1/4 कप ऑयल लिए हैं, मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ। इसमें डालेंगे जीरा 1/2 टी स्पून, लौंग 4, इलायची 2 और 1 छोटी सी दालचीनी के टुकड़े और 2 तेज पत्ता। कसा सॉटे कर लेंगे। डालेंगे एक बड़ा साइज का चॉप्ड ऑनियन, हरी मिर्च 2 कटी हुई, प्याज को हल्का सा भून लेंगे। हमें बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है प्याज को। प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून अदरक का पेस्ट एंड 1.5 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट। इसको भी अच्छे तरह से भून लेंगे तब तक जब तक अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो चलाना। यह है कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। अदरक लहसुन भून चुका है, अब इसमें हम डालेंगे ये सारे मसाले। 1-2 टेबल स्पून इसमें हम पानी डालेंगे ताकि मसाला जल ना जाए। नमक डालें स्वाद अनुसार, लेकिन वर्मीसिली में भी हम नमक डालकर बॉईल किए हैं तो इसी हिसाब से आप नमक को डाला करें। मसाले को हम भून लेंगे तेल छोड़ने तक। मसाला भून चुका है, इसमें डालेंगे चॉप टमाटर 2 मीडियम साइज का। इसको खूब अच्छी तरह से हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको ढाँप कर हम टमाटर गलने तक का पकाएंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गया है, इसमें डालेंगे टमाटो केचप 3 टेबल स्पून, गर्म मसाला 1/2 टी स्पून। खूब अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। यह है 250 ग्राम चिकन कीमा, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। चिकन को मसाले के साथ मिलाते हुए 1 मिनट हाई फ्लेम में भून लेंगे। इसमें डालेंगे 1/2 कप से थोड़ा सा कम पानी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको भी हम ढाँप कर मीडियम टू लो फ्लेम में हम इसे 6 से 7 मिनट और पकाएंगे या फिर जब तक चिकन कीमा गल ना जाए। तकरीबन 6-7 मिनट हो चुका है, चलिए अब हम इसे देख लेते हैं। ये कीमा बिल्कुल तैयार है और इससे किनारे किनारे से ऑयल भी रिलीज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये बॉइल किया हुआ वर्मीसिली। डालेंगे घी 1-2 टेबल स्पून, अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे ये हरी धनिया, हरी मिर्च अपने स्वाद के हिसाब से डाल लें। ये लेमन जूस, यहाँ पर मैं 1/2 लेमन का जूस डाली हूँ, ये भी आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। वापस इसे खूब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसको ढाप करना, अभी हम इसको दम पे पकाएंगे। दम पे पकाने के लिए मैं यहाँ पर एक सीमर ले ली हूँ और इसके ऊपर में ये कढ़ाई को रख दी और बिल्कुल लो फ्लेम में हम इसे 4 से 5 मिनट तक और पकाएं। अगर आपके पास सीमर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक तवा ले लें और तवा को पहले 1 मिनट हाई फ्लेम में गर्म कर लें और उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम करके तवे के ऊपर में आप कढ़ाई को रखकर 2 से 3 मिनट तक दम पे पकाएं। दम पे पकाते हुए 3-4 मिनट हो चुका है, चलिए अब हम इसे देख लेते हैं। वाओ, आप देख रहे हो एकदम बिल्कुल खिला खिला सा हमारा नमकीन चिकन कीमा सेमई बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। चिकन कीमा सेमई को हम सर्व कर दिए हैं। गार्निश करेंगे लेमन स्लाइस, हरी मिर्च और कोरिएंडर लीव्स से। जी फ्रेंड्स, नमकीन चिकन कीमा सेमई बिल्कुल तैयार है। आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है और यकीन माने ये उतना ही ज़्यादा टेस्टी, लजीज और डिलीशियस होता है। तो इस बार बकरीद में आप इसे ज़रूर अपने घर पर ट्राई करें और आप हमें ज़रूर कमेंट करें कि आपको यह कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेलिस किचन। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है, लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर रेसिपी मिल सके। फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।